आप हम लोग आप अब पब्लिक फिगर हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है, अच्छाई भी और बुराई भी। अगर आलोचना किसी ने कर दी तो उसको एक्सेप्ट कर देना चाहिए ना। बिल्कुल आपने ट्वीट किया, आपने ट्वीट डिलीट कर दिया, ऐसा लगा कि शायद आप मतलब आलोचना को पसंद नहीं कर रहा है आप। नहीं, मेरा ट्वीट वो आलोचना के बारे में नहीं था। मेरा ट्वीट ये था कि एक किस बात पे आप मुद्दा कर रहे हो कि अगर नमी नारायण साहब हिंदू हैं तो मैं उनको क्या दिखाऊं कि आपको मैं मतलब आपको दिल की तसल्ली दे दूं। फिर मुझे लगा कि ये बहस की बात होगी, पिक्चर में जो नमी नारायण साहब की खासियत है वो चीज़ को मतलब ये कोई और डायरेक्शन में चला जाएगा, जो कि बहुत आसान है आज के दिन करने के लिए। नमी नारायण साहब की ज़िंदगी पर क्या इस फिल्म से कोई फ़र्क पड़ेगा, पड़ना चाहिए? आपसे उनकी बात हुई हो इस फिल्म के बाद, पिछले कुछ दिन इस फिल्म के आने के बाद, क्या उनकी ज़िंदगी पहले से कुछ बदली है? इस फिल्म के पहले तक तो कोई जानता भी नहीं था भाई साहब। ये जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे थे ना इसके पहले कि ये सब ऐड कर सकते, आपने शायद रिसर्च किया होगा, पर ये करुणाकरण कौन है और ये आरबी श्री कुमार कौन है और नम्बी नारायण कौन है, किसी को पता ही नहीं था पिक्चर रिलीज होने से पहले। दूसरी बात यह है कि आज मैं उनके साथ ही दिल्ली आया हूँ, सिक्योरिटी गार्ड जो उनको कर रहा था ना वो उनसे कह रहा था नम्बी नारायण साहब हमें माफ़ कर दो, ये सॉरी नम्बी नारायण वाली जो बात हो रही है, जो भी लोग उनके साथ फोटोग्राफ खींचे ये तो हो रहा है, ये मेरे आंखों के सामने हो रहा है, उनके सामने हो रहा है। और मुझे नहीं पता कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ी कोई तब्दीलियाँ आई हैं या उनको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, पर मैं जानता हूँ कि पिक्चर रिलीज़ होने के बाद से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ज़्यादा है, उनको वो शांत ज़्यादा दिख रहे हैं। जब आपने ये मूवी ऑप्ट करी, चूज़ करी, आपके दिमाग में उस समय क्या आइडियाज़ थे? बिकॉज कोई एक्टर अगर कोई मूवी चूज़ करता है तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ आइडियाज़, वो बहुत जगह सोचता है कि अगर मैं मूवी करूँगा कॉन्ट्रोवर्सीज ना हो जाए या गलत ना हो जाए, तो आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको ये मूवी करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं जब मेरे दोस्त ने इस नम्बी नारायण साहब के बारे में जिक्र किया था तो मैं कह रहा था कि अब मैं जाऊँगा ट्रिवेंडर में और मिलता हूँ इस इंसान से, क्योंकि मुझे लगा कि एक चीप वाला जो है क्विक यू नो पुअर मैन्स जेम्स बॉन्ड वाली फिल्म बना देता हूँ, क्योंकि वो दिखने में इतने अच्छे थे कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि उनका अफेयर हुआ नहीं होगा, इतने अच्छे दिखने में थे वो नम्बी नारायण साहब। और उस दौरान मैंने थोड़ा रिसर्च शुरू किया तो एक इंटरव्यू मैंने देखा मलयालम में, और इस इंटरव्यू में नम्बी नारायण साहब बैठे हुए थे। उस इंटरव्यू का एक हिस्सा हमने क्लाइमैक्स में यूज़ किया है जहाँ पे उनके आँख में आंसू आते हैं, और वो रोए और कह रहे थे कि यार ये मैं 25 बार दिल्ली जा चुका हूँ, हर वक्त ये अड़चन हो जाता है, मैं जाता हूँ सामने बैठता हूँ जज मुझे देखते हैं अड़चन हो जाता है, एंड दिस केस इज गोइंग टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड नम्बी नारायण विल डाई, दैट इज हिज वर्ड्स कि नम्बी नारायण विल डाई, बट आई प्रॉमिस यू कि इवन आफ्टर आई डाई दिस केस विल गो ऑन टिल जस्टिस इज सर्व, बिकॉज आई बिलीव दैट विल हैपन इन माई कंट्री, बिकॉज हाउ मेनी पीपल लाइक मी आई विल फाइट फॉर ऑल ऑफ देम, यू सी। तो ये कहते कहते उनके आंख में आंसू आई, मुझे वो चीज इतना छू गया, उसके बाद ना मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं सच कह रहा हूँ। उसके बाद ये क्यों कर रहा हूँ मैं, मेरी बीवी पूछ रही है कि तू डायरेक्ट भी करोगे अभी, पागल हो गए हो, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं करना नहीं चाह रहा था, पैसा भी डाल दिया। तो उसके बाद देर वॉज नो रैशनल फॉर मी टू डू इट जस्ट बिकेम अ पैशन। शाहरुख खान को क्यों लिया गया इस फिल्म में? शाहरुख खान, मैंने पढ़ा कहीं कि वो खुद करना चाह रहे थे इस फिल्म को, इज इट ट्रू? जी ये फिल्म जब बन रही थी ये छोटी फिल्म थी भाई साहब, हम नहीं चाह रहे थे, हमारे पास उतना पैसा था भी नहीं और हमें यकीन भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी। पर एक मैं शाहरुख खान के साथ, शाहरुख साहब के साथ मैं वो जीरो फिल्म कर रहा था उस वक्त, हमने इस फिल्म की जिक्र की थी, उन्होंने कहा था तू कुछ ना कुछ अलग करते रहता है, मुझे पता भी नहीं था कि उन्होंने ये पूरी कहानी सुनी भी कि नहीं। पर उनके जन्मदिन पर जब हम घर गए थे, उनके घर गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैडी तुम्हारे उस पिक्चर में ना मैं एक रोल करना चाहता हूँ। अच्छा, खुद ही का? और मुझे लगा कि मुझे तो इस बात का मतलब मैं बहुत खुश हो गया था कि यार इनको मेरा स्क्रिप्ट याद है अभी तक, कम से कम इतना तो याद है कि रॉकेट साइंटिस्ट के बारे में। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू। इसे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ यार, ये मजाक समझ रखा है, उसको बोलो मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। तो उनको लगा कि मैं समझ रहा हूँ कि ये मजाक है, तो कुछ बोलने वाले थे तब तक बाकी दोस्त आ गए, फिर हम घर चले गए। सरिता जो मेरी बीवी है शी इज़ अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, उन्होंने कहा कि यार कम से कम मैसेज तो कर दो कि यू नो वी रिमेंबर, आई एम वी आर ग्लैड दैट यू रिमेंबर्ड द स्क्रिप्ट। हमने मैसेज किया तो उनकी तरफ से फ़ोन ही आ गया, उनके असिस्टेंट की तरफ से, कि वो पूछ रहे कि डेट कब है। मैंने कहा देखो भाई, बैकग्राउंड में पासिंग वाली जो वो रोल करना, मैं शाहरुख खान को मैं फिल्म में बैकग्राउंड में पासिंग थोड़ी कराऊंगा, दैट्स व्हाट ही वांटेड टू डू कि मेरे को बैकग्राउंड में कुछ पासिंग करा दूँ। मैंने कहा वैसा रोल नहीं है,
तो इसे क्या रोल, मैंने कहा है एक रोल बट इट इसे आपको कितने दिन चाहिए, बस इतनी बात हुई। अच्छा, उन्होंने कहा कि डेट कब चाहिए, मैंने बताया, सूर्या को पता चला, वो मेरे अजीज दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार तू घबरा मत, जब जिस दिन शाहरुख आएंगे उसी दिन मैं अपना डेट एडजस्ट करके आ जाऊँगा। दे टुक देयर ओन फ्लाइट्स, दे केम विद देयर एंटायर क्रू, कोई पैसे नहीं लिए मेरे से, मतलब एक दमड़ी नहीं लिया उन्होंने, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषाओं में ख़त्म करके ये फिल्म, मुझे लगा कि जितना प्यार मेरे से करते हैं इसी वजह से इन्होंने किया होगा, पर जब ये नंबी नारायण साहब से मिले मैं समझ गया कि इसकी असली कारण और वजह क्या है। जिस तरीके से उन्होंने उनसे मिले हैं वो इट वॉज फैबुलस। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं तो मैं तहे दिल से कहूँगा कि बहुत अच्छे लोग हैं। ABP News, आपको रखे आगे।